हम लोग को घेरा है जिसको मेरे पापा ने रिनोवेट करा के गार्डन जैसा कर दिया। एंड वो एंट्रेंस थी, पुरानी एंट्रेंस थी, अभी न्यू एंट्रेंस वहाँ पे गेट बन गया है। ये सब अच्छे से रिनोवेट कराया है अभी। ये एक छोटा पूल जैसा बनाया पापा ने जिसमें हम लोग सब इन्जॉय करते हैं। सो और ये सारे पेड़ वगैरह लगाए हैं सो दैट अच्छी वाइब आए सबको। फिर इसमें दो झूला उन्होंने लगवाया हम लोगों के लिए, वी डिड अ लॉट। फिर ये गेहूँ सुखा रहे हैं हम लोग आटे के लिए। यहाँ पे गेहूँ धो के 3 दिन सुखाना पड़ता है धूप में, आई डोंट नो व्हाई। ये मैंगो ट्री था जो मेरे नाना ने लगाया है। ये गेट है, इसकी एंट्रेंस आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। सो दिस इज़ एवरीथिंग। ये पूजा के लिए गेहूँ सुखा रहे हैं, यहाँ पे पंचम में कुछ तो होता है। और ये कटहल का झाड़ है, आई गेस जैक फ्रूट बोलते हैं उसका। कैन यू सी द क्लाउड्स, इजंट इट कूल। सो ये झूला है और एक था वो ब्लू कलर के कपड़े से ढका हुआ था। ये सब पेड़ है और बस ऐसा ही है। और ये पूल भरने का हम लोग वेट कर रहे हैं ताकि इसमें लोग छपक छपक करके नहाएं। इसमें नहा के वी गेट स्ट्रेस रिलीज। इलेक्ट्रिसिटी लेट आई तो नहाते वहाते शाम हो गई, तो चेंज करके थोड़ा मार्केट गई थी। उसके बाद आके मैं और ये शिवा मेरी मामी का लड़का हम लोग बैडमिंटन खेल रहे थे। फिर उसके बाद ये नानी है, वो योगिता है, योगिता बक्चोदी कर रही है गाना लगाकर, पता नहीं प्रिटी वुमेन पर डांस कर रही है, मेरी छोटी बहन है। फिर ये सुधांशु है, ये भी मेरी मामी का लड़का है, मतलब सब रिलेटिव हैं यहाँ पे। और ये शिवा है, ये सामने वाला मेरा घर है और वो मेरी मामी का घर है। ये वो जो गार्डन है हमने दिखाया था वो है वो। और ये मेरी नानी है और वो कुछ मुझे बड़बड़ कर रही हैं। और ये मेरा सामने का घर है, लाइक डायरेक्टली बोलूँ या इनडायरेक्टली बोलूँ ये घर और सामने वाला मेरा घर था। ये मैं हूँ जो चुतियापा करते हुए दिख रही हूँ आप लोगों को। मैं चाय पी रही हूँ, बैडमिंटन खेल के मैं थक गई हूँ, मेरे फेस पे ग्लो दिख रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना। बाय, टेक केयर, टाटा।